स्वागत है दोस्तों छत्तीसगढ़ लेटेस्ट न्यूज अपडेट में। तो इस समय की बड़ी खबर सामने आई है, लिफ्ट देने के बहाने युवती से छेड़छाड़ और लूट, होली के दिन बाइक पर बैठाया, जंगल में ले जाकर किया वारदात। अंबिकापुर के बस स्टैंड में 26 मार्च को डुमरखोला कोचली जाने के लिए साधन तलाश रही युवती को बाइक सवार युवक अपने साथ धर्मपुर के जंगल में गया, जहां उसके साथ छेड़खानी की और धमकाकर 15,000 रुपए फोन पे पर ट्रांसफर करा लिए। अब प्रतापपुर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल बलरामपुर जिले की कोचली निवासी युवती होली के दूसरे दिन दोपहर में बस स्टैंड पहुंची, बस या अन्य वाहन की तलाश कर रही थी। वहां एक बिना नंबर के पैशन प्रो बाइक में सवार युवक पहुंचा। उसने खुद को डबरा कोचली का निवासी बताकर साथ चलने के लिए कहा। साधन नहीं होने के कारण युवती उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। युवक ने बताया कि उसका डबरा कोचली में दुकान है, लेबरो को ऑनलाइन पैसा पेमेंट करना है। दुकान पहुंचकर पैसे दे देने का झांसा देकर अपने फोन पे पर 5,000 रुपए ट्रांसफर करा लिया। ग्राम धर्मपुर पार होने के बाद युवक ने मेन रोड से हटकर जंगल के कच्चे रास्ते में बाइक मोड़ लिया। युवती ने आपत्ति जताई तो शॉर्टकट रास्ता होना बताया। आगे जंगल में जाकर उसने बाइक रोक दी और युवती से छेड़छाड़ करने लगा, उसके साथ मारपीट की और उसे धमकाकर 15,000 रुपए अपने फोन पे नंबर पर ट्रांसफर करा लिया। उसने युवती का वन प्लस मोबाइल भी लूट लिया। युवती वहां से भाग निकली और प्रतापपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। प्रतापपुर पुलिस ने बैंक से खाता धारक की जानकारी जुटाई और मोबाइल नंबर धारक संदेही शिवशंकर उर्फ भोला 44 वर्ष निवासी रामपुर प्रतापपुर को गिरफ्तार कर लिया। उसने पूछताछ में घटना को अंजाम देना स्वीकार किया। आरोपी से 10,000 रुपए नकद, लूट का वन प्लस मोबाइल और बाइक जब्त कर उसे जेल भेज दिया गया है।